स्टार्ट द लेक्चर। इसमें कोई ज्वाइन कर रहा है, मुझे लगता है कोई जो है ना ये, अच्छा अहमद मुबीन ने अपना गलत बिल्कुल जो है ना वो पहले अपना नाम लिख दिया है, बाकी ठीक है। ठीक है, तो ये कि वी स्टार्ट विद चैप्टर थ्री। और चैप्टर थ्री जो है ना, जिस तरह चैप्टर टू के अंदर हमारे पास मॉडलिंग इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन था, तो ये हमारे पास यहाँ पे मॉडलिंग इन टाइम डोमेन है। चैप्टर टू हमारे पास दैट वाज ऑल बेस्ड ऑन लैपलास, और चैप्टर थ्री जो है ना यहाँ पे सारी की सारी मॉडलिंग हमारे पास टाइम डोमेन की मॉडलिंग है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, मतलब मॉडलिंग इन टाइम डोमेन जो है यहाँ पे जो मॉडलिंग करेंगे ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। जब भी मैं पहले मतलब ये कि चैप्टर फोर फाइव पढ़ाने के बाद फिर चैप्टर थ्री पे मैं आया हूँ। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं चैप्टर टू के सारे कॉन्सेप्ट बताता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन के लिए, एक मिनट, ठीक है। तो हमारे पास व्हाट वी हैव डन इन चैप्टर टू, अ क्विक रिविजन ऑफ चैप्टर टू। चैप्टर टू वॉज मॉडलिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसमें क्या था, हमारे पास ये सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है जी एस, ये हमारे पास इनपुट है लेट सपोज आर एस, और ये हमारे पास आउटपुट है सी एस। तो हम लोग डेवलप करते थे सलमान उबैर, अच्छा ठीक है, सी एस ओवर आर एस इज इक्वल टू जी एस। ये डी एस वॉज द ट्रांसफर फंक्शन, और चैप्टर टू के तो जो हमने देखा मतलब लैपलास से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने देखे, लेकिन जो मॉडलिंग हमने देखी, हमने मॉडलिंग क्या देखी, हमारे पास कोई सर्किट था, लेट सपोज हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, आरएलसी कंपोनेंट से बना हुआ, या फिर हमारे पास कोई ट्रांसलेशनल सिस्टम है, ट्रांसलेशनल सिस्टम जिसके अंदर हमारे पास स्प्रिंग मास और डैम्पर था। जैसे हमारे पास स्प्रिंग के लिए मैं के लिख देता हूं, मास और डैम्पर, हम इनकी मॉडलिंग कर रहे होते थे और अल्टीमेटली हम ट्रांसफर फंक्शन बनाते थे, ठीक है, जीएस हम बनाते थे, आरएलसी सर्किट हो या हमारे पास कोई ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम हो। तो ये सारी चीज हमने उसके अंदर देखी थी, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। अरे यहां पर जो हमें देखना है, यहाँ पे भी मॉडलिंग करेंगे हम, आरएलसी सर्किट्स की मॉडलिंग करेंगे या हमारे पास ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स है उनकी मॉडलिंग है, लेकिन हमारे पास अल्टीमेट जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास जीएस की फॉर्म में नहीं होगी, वो किसी और फॉर्म में होगी। वो फॉर्म हमारे पास कहलाती है स्टेट स्पेस फॉर्म, मतलब दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डोमेन मॉडलिंग, फ्रीक्वेंसी डोमेन मॉडलिंग। और यहां पे हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट होगा, दिस इज कॉल्ड द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, और ये कहलाती है आपके पास टाइम डोमेन मॉडलिंग, दिस इज कॉल्ड टाइम डोमेन मॉडलिंग। ठीक है, ये आपके पास हो गया एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू एंड वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। अब ये ए बी सी डी और यू और एक्स ये क्या चीज है ये मैं भी समझाता हूँ, लेकिन अभी जो बेसिक आपके पास कॉन्सेप्ट है कि चैप्टर टू वॉज अबाउट फ्रीक्वेंसी डोमेन मॉडलिंग, फ्रीक्वेंसी डोमेन मॉडलिंग का एंड रिजल्ट मेरे पास एक जी एस ट्रांसफर फंक्शन होता था। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास टाइम डोमेन मॉडलिंग के अंदर अल्टीमेटली हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन नहीं है, हमारे पास स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है। ये जो एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी यू और वाई इज इक्वल सी एक्स प्लस डी यू है, इसके अंदर ब्रीफली इस डायग्राम को अगर मैं क्विकली यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे भी एक सिस्टम है जो रिप्रेजेंट होता है हमारे पास, अगर मैं इसको बहुत जेनेरिक फॉर्म में कहूँ कि ये हमारे पास यहाँ पर ये यू इसका इनपुट है और वाई इसका आउटपुट है इस सिस्टम का, और
मेरे पास यहाँ पे ये पूरा मैट्रिक्स है, मतलब ए बी सी और डी, ये सिस्टम कहलाता है। बस ये मेरे पास ये जो है ना ये सिस्टम है। तो यू इनपुट हो गया मेरे पास, वाई आउटपुट है, और ये ए बी सी डी बेसिकली सिस्टम के डायनेमिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो किसी तरह यहाँ पे ए बी सी डी के अंदर जो है ना, मतलब वो हिडन होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जी एस, ये मैं पहले बता दूँ, ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है, एक तो सिंपल टॉपिक नहीं है। जो मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन होता है जी एस, दैट इज लेट सपोज मैं उसको कहता हूँ वाई एस ओवर यू एस, और मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। मैं अभी ये बताऊंगा सब, एक्स क्या है, ए क्या है, बी क्या है, यू क्या है, ये सब अभी मैं बताता हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक थ्योरी, सी एक्स प्लस डी यू, ये दोनों आपस में कन्वर्टेबल्स होते हैं, दे आर मैथमेटिकली सेम। मतलब ट्रांसफर फंक्शन को यू कैन कन्वर्ट द ट्रांसफर फंक्शन इन टू स्टेट स्पेस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड स्टेट स्पेस। अच्छा, ये ट्रांसफर फंक्शन है वो स्टेट स्पेस है, और ये आपके पास जो है ना दोनों आपस में कन्वर्टेबल है, ठीक है, मतलब स्टेट ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट स्पेस बना सकते हैं, स्टेट स्पेस से ट्रांसफर फंक्शन बना सकते हैं। तो यहां तक तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की या ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम की हम मॉडलिंग कर रहे हैं, लेकिन हम टाइम डोमेन मॉडलिंग कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी डोमेन मॉडलिंग जो चैप्टर टू में कर चुके हैं, वो चैप्टर टू का टॉपिक था। यहाँ पे टाइम डोमेन मॉडलिंग है, दिस इज टाइम डोमेन मॉडलिंग, ठीक है, ये टाइम डोमेन मॉडलिंग है। हम कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, एक्स डॉट इक्वल एक्स प्लस बी यू, वाई इक्वल सी एक्स प्लस डी यू, और ये हमारे पास जो है ना, मतलब सिस्टम का इनपुट आउटपुट इस तरह होता है। अब मैं एक्चुअल इस मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है क्या, मतलब ये एक्स क्या है, ए क्या है, ए मैट्रिक्स क्या होता है, बी क्या होता है, यू क्या होता है, ये सब फिर मैं अभी बताता हूँ। फिर इसका यूसेज बताता हूँ कि हम यूज कैसे करते हैं, जितना मॉडर्न कंट्रोल्स है, सारा का सारा मॉडर्न कंट्रोल्स, मोस्टली मोस्टली मॉडर्न कंट्रोल्स और एडवांस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, एस्टिमेशन थ्योरी, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, ये सब स्टेट स्पेस मॉडलिंग पे डिपेंड करता है। वी स्टार्ट विद स्टेट, अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन दोबारा मैं ब्लॉक डायग्राम यहां पे बनाता हूं। यहां पे मेरे पास इनपुट सिग्नल, जो नॉर्मली मैं बहुत दफा स्टैंडर्ड जो है ना, मतलब मैं रेड से ड्रॉ करता हूं, यू टी इज द इनपुट सिग्नल एंड वाई टी इज द आउटपुट सिग्नल, आई विल राइट हियर एज वेल, दिस इज द इनपुट सिग्नल एंड दिस इज द आउटपुट सिग्नल, ठीक है, इनपुट सिग्नल हो गया, आउटपुट सिग्नल हो गया। अच्छा, यहां पर होता क्या है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्टेट्स का, जो ये चीज लिखी हुई है ना आपके पास, स्टेट्स, स्टेट क्या होती है मैं अभी समझाता हूं आपको। यू का जो इंपैक्ट है, मैं कहता हूं यू का इंपैक्ट मेरे पास होता है एक्स पर, स्टेट्स पर, दीज आर कॉल्ड द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, स्टेट्स एक्स टी, और स्टेट्स का अल्टीमेटली इंपैक्ट होता है आउटपुट पर। ये एक बहुत जेनरिक सा डायग्राम है, एक लिहाज से ये गलत भी है, लेकिन आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहां पर हम कहते हैं कि जी आपके पास ये एक्स टी स्टेट्स होंगे सिस्टम की, और यू टी इनपुट हो गया, वाई टी आउटपुट है, और एक्स टी आपके पास स्टेट्स है। इनपुट का इंपैक्ट होता है आपके पास स्टेट्स पर, और स्टेट्स का इंपैक्ट होता है आउटपुट पर। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, उस एग्जाम्पल से समझाता हूं कि स्टेट्स का मतलब हमारे यहां क्या बनता है। लेट सपोज वी हैव दिस जार, बीकर, वॉट एवर, एंड यू हैव अ पिस्टन, और यू हैव गैस पार्टिकल्स हियर, दे कैन बी मेनी 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 एग्जाम्पल्स, लेकिन यहां से मैं, तो इसकी कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, इसका कोई ना कोई टेम्परेचर विच इज वेरिंग विद टाइम, इसे कोई ना कोई प्रेशर होगा विच इज ऑल्सो वेरिंग विद टाइम, इसे कोई ना कोई वॉल्यूम होगा विच इज ऑल्सो वेरिंग विद टाइम, अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऐड और मतलब ये है कि मैं ड्रेन कर दूं तो वो भी हो सकता है। टेम्परेचर इज ऑल्सो एन स्टेट एंड प्रेशर इज ऑल्सो एन स्टेट एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो एन स्टेट ऑफ दिस सिस्टम, हम इस तरह कहते हैं। लेट सपोज मैं एग्जाम्पल से इसलिए बता रहा हूं, एग्जाम्पल वन,
एग्जाम्पल नंबर टू, मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर बैटरी कनेक्टेड है, मेरे पास इंडक्टर हो गया और मेरे पास एक कैपेसिटर हो गया। इसके अंदर ये जो है मेरे पास R, L और C, जो चीज जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है यहां पे, जैसे आपके पास मैं कहता हूं जी इंडक्टर का वोल्टेज है वी एल विच इज वेरिंग विद टाइम, दिस कैन बी अ स्टेट ऑफ द सिस्टम। मेरे पास वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर, दिस कैन ऑल्सो बी अ स्टेट ऑफ द सिस्टम। द करंट इन द सर्किट आई टी, दिस कैन ऑल्सो बी अ स्टेट इन द सिस्टम। तो ये हम स्टेट्स का हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है, मतलब ये कि जो जिसका रेट ऑफ चेंज हम निकाल सकते हैं, विच इज चेंजिंग विद टाइम, एनीथिंग विच इज कॉन्स्टेंट कैन नॉट बी अ स्टेट। जैसे इस सर्किट में, आरएलसी सर्किट में आप लोगों का क्या ख्याल है, कौन सी चीज स्टेट नहीं बन सकती है? ठहर जाओ, मैं पूछूं कौन बैठा हुआ है। अफान आप बैठे हुए हो और मुनीब, कुछ पता नहीं ये लोग बैठे हुए भी हैं कि नहीं है। यस सर बैठा हूं। लेट मी हैव अ लुक ये पार्टिसिपेंट में चैट में किसने लिखा है। अफान, यस अफान, अब बताओ इसके अंदर कौन सी स्टेट नहीं हो सकती एग्जाम्पल टू के अंदर? पता नहीं तू बैठे हुए भी थे कि नहीं बैठे थे, इतनी बेसिक बात में पूछ रहा हूँ। मुनीब सर, रजिस्टर, रजिस्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो क्या है, उसका डेरिवेटिव नहीं है सर। उसका डेरिवेटिव नहीं, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? अगर डी बाय डी टी ऑफ आर में निकालूं क्या निकलेगा? व्हाट इज आंसर सर? जीरो। जीरो, देयर इज नो रेट ऑफ चेंज, आर इज कॉन्स्टेंट, डी बाय डी टी ऑफ वी इज कॉन्स्टेंट, d by dt of l, d by dt of c, v उस वक्त अगर v आपके पास कांस्टेंट है वो बात है। बहरहाल ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कौन सी स्टेट बन सकती है, कौन सी स्टेट नहीं बन सकती। अच्छा ये सर, ये जी पूछे सर, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो कांस्टेंट है वो स्टेट क्यों नहीं बन सकते? इसकी स्टेट वो बन सकता है जिसका रेट ऑफ चेंज आता है। अभी रुक जाओ, अभी ये बहुत डिटेल टॉपिक है, अभी समझ में आएगा क्यों नहीं बन सकता। अब ये तो बेसिक एग्जांपल हो गए, मैंने आपको बताया कि भाई स्टेट्स क्या चीज बन सकती हैं, ठीक है। और ये मेरे पास ये सिस्टम है कि यूटी इनपुट होता है, वाईटी आउटपुट होता है, और कोई एक चीज होती है स्टेट्स, जो मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन की कि स्टेट्स क्या चीज है। यहाँ पे मैं अभी इसकी जो है ना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ कि ये मेरे पास लिखा हुआ है एक्स डॉट, मैं दोबारा बार बार चीज लिखता हूँ ताकि आपको ये नाम कम अज कम जहन में रहे, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। आपके पास हो गई एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, ठीक है, ये पहली इक्वेशन मेरे पास हो गई। और इसके अंदर ये चीजें क्या है ये मैं भी आपको बताता हूं। और सेकंड इक्वेशन इज वाई, अच्छा मैं टी नहीं लिख रहा लेकिन मैं टी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया टी, वाई टी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, ठीक है। ये मेरे पास दो इक्वेशन है, x dot is equal to x plus bu और y t is equal to cx plus du। सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं कि x, u और y क्या है, जो कि आपको बिल्कुल अंदाजा है। अच्छा x को थोड़ा बोल्ड में लिखा जाता है क्योंकि x आपके पास दो स्टेट्स, तीन, चार, जितनी भी स्टेट्स होती है, जितना ऑर्डर सिस्टम का होता है उतनी स्टेट्स होती हैं। तो x t आपके पास स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, ये कैसे चूज करते हैं, इसमें क्या चीजें हैं, जब एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे तब हम देख लेंगे। तो x are the states of the system, ut is input signal or yt is output signal, ठीक है। तो xt आपके पास states of the system है, ut input signal है, yt आपके पास output signal है। What is a? ये आपके पास कहलाता है सिस्टम मैट्रिक्स। अब ये ध्यान में रखना है कि ये अब सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की है, ये सारे सिग्नल्स हैं, और अब जो मैं लिख रहा हूं वो सिस्टम मैट्रिक्स है। बी आपके पास इनपुट मैट्रिक्स हो गया, वो सिस्टम मैट्रिक्स हो गया, बी इनपुट मैट्रिक्स।
सी आपके पास आउटपुट मैट्रिक्स, और डी आपके पास फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स है, और ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास सारे मैट्रिसेस हैं जो सिस्टम मैट्रिसेस हैं बेसिकली, मतलब किसी ना किसी तरीके से ये सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो क्या है वो हम सब देखेंगे अभी। ये तीन आपके पास सिग्नल्स हो गए और ये चार आपके पास सिस्टम मैट्रिसेस हो गए। तो अब ये कि इनको हमें देखना है कि हमारे पास ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है, बी है, सी है, डी है। मैं आपको एक बेसिक सी एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। एक मिनट में अटेंडेंस भी लूं क्योंकि टाइम इज 11:57। ठीक है आप लोग, ठीक है उमर तक हो गए नाम और कहां तक इसके बाद मालूम भी। ठीक है आप लोग अपना अटेंडेंस जरूर जो है ना, वो जो प्रॉब्लम हो जान से आप डिस्कस कर लें। मुझे मत कहा करें कि मैं बैठ के एक एक बंदे की अटेंडेंस देखूं और एक एक बंदे की अटेंडेंस बताऊं, ये मेरा काम वैसे भी नहीं होता। अटेंडेंस सारा मैनेज करना ही जानजेब का काम होता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये आपके पास एक्स वाई, एक्स यू और वाई आपके पास सिग्नल होगा, ए बी सी डी आपके पास सिस्टम मैट्रिसेस है। और मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि ये मतलब मैट्रिसेस लिखे कैसे जाते हैं और ये होते क्या हैं। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे कि एक चीज मैं लिखता हूं, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, क्या है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स। ये तीनों चीजें बराबर होती हैं। बाद दफा स्टेट ज्यादा भी हो जाती हैं लेकिन हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे अभी। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है उसमें दो पोल्स होंगे, दो स्टेट्स होंगी। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है उसमें एक पोल होगा, एक स्टेट होगी। थर्ड ऑर्डर सिस्टम है उसमें तीन पोल्स होंगे, तीन स्टेट्स होंगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो जब भी मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, इसको हमारी हमारे पास स्टैंडर्ड बात है कि अगर हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है उसमें चार पोल्स हैं तो ये मुझे पता है कि इस चार स्टेट्स होंगी। ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, लेट मी राइट एग्जाम्पल। मेरे पास यहां पर एग्जाम्पल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की है। लेट सपोज सेकेंड ऑर्डर सिस्टम एक्स वन डॉट एंड एक्स टू डॉट, दो स्टेट्स हैं, एक एक्स वन है और एक एक्स टू है, इज इक्वल टू 1-2-3 or 0, let's suppose x1 x2 plus b u। यहां पे भी असल में t लिखा जाता है लेकिन generally अक्सर books में वो t का notation नहीं लिखते क्योंकि ये understood होता है कि ये time domain का notation चल रहा है। state space representation होती time domain की है, इसलिए अगर ये ब्रैकेट में जो टी लिखा हुआ अगर ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो नोटेशन की। तो ये मेरे पास हो गया, मैं इसको बोल्ड में कर देता हूँ, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। ए और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इससे दरमियान स्पेस है इसलिए कि वो मैट्रिक्स वैसे लिखा है। तो ये एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी यू, ये उसकी एक फॉर्म है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की। ठीक है। और y is equal to cx plus du, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे yt is equal to cx। अच्छा ये 1 0 या मैं मैट्रिक्स की जो वैल्यूज लिख रहा हूँ ये भी अपनी तरफ से लिख रहा हूँ,
ये डिपेंड करता है सिस्टम के लिहाज से, ये चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया yt is equal to cx plus d। अच्छा ये मैं बोल्ड इसलिए कर रहा हूं, मैं अभी नोटेशन बुक का भी दिखा देता हूं। बोल्ड का मतलब है वेक्टर है, ये कोई मैट्रिक्स है, मतलब यहां जो है ना ये बोल्ड का मतलब ये होता है कि ये वेक्टर है। वेक्टर का मतलब है 3, 4, 5 क्वांटिटी, एक से ज्यादा क्वांटिटी है, मतलब सिग्नल के अंदर, सिग्नल की बात हो रही है। तो हम देखो यू को मैंने बोल्ड नहीं किया और वाई को बोल्ड नहीं किया, एक्स को बोल्ड किया है। तो एक्स एक सिग्नल है जो वेक्टर है, वेक्टर का मतलब हमारे पास वो वाला वेक्टर नहीं है फिजिक्स में आप देखते हैं। वेक्टर का हमारे पास मतलब ये होता है कि 3, 4, 5 जो है ना कंपोनेंट्स हैं, होता वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं अभी उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जब मैं बोल्ड करके लिख रहा हूँ किसी सिग्नल को, इसका मतलब है कि उसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यू है, बस यहाँ पे अभी आप ये समझो। तो मेरे पास x डॉट इक्वल टू x प्लस bu, y इक्वल टू cx प्लस du, इस तरह करके कोई एग्जांपल उसकी बनती है, मतलब इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर। यहां पे अगर गौर से देखो ये लिखा हुआ है x डॉट, तो x डॉट का मतलब है कि ये डेरिवेटिव है, ये रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज है। यहां पे अगर मैं इसको इस तरह भी लिख दूं, लेट मी राइट द होल थिंग एज दिस वन, डी एक्स वन बाई डी टी और डी एक्स टू बाई डी टी इज इक्वल टू दिस होल ए मैट्रिक्स इनटू एक्स वन एंड एक्स टू प्लस यू। तो ये बिल्कुल एक ही बात है, दे आर सेम, बोथ ऑफ देम आर सेम, दे आर ऑल सेम, क्योंकि वो डॉट लगाया है और एक्स वन डॉट इज इक्वल टू डी एक्स वन बाई डी टी। बहरहाल ये मेरे पास नोटेशन है, x डॉट इज इक्वल टू x प्लस bu और y इज इक्वल टू cx प्लस du, और इसके अंदर एक जो चीज मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है वो इनका डायमेंशन एक्सप्लेन करना है, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कम से कम आप लोग कैलकुलेशन उसकी आनी चाहिए कि मेरे पास ये a का डायमेंशन, मतलब a 2x2 मैट्रिक्स क्यों है, और b का डायमेंशन मेरे पास जो है ना ये 2x1 क्यों है, और c 1x2 क्यों है, d 1x1 क्यों है, इसकी एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैट्रिक्स डायमेंशंस। ये मैट्रिक्स डायमेंशन हमारे पास किससे आते हैं, इसका ताल्लुक आपके पास सिस्टम के ऑर्डर से होता है, इनपुट से होता है और आउटपुट से होता है। हम यहां पे इस केस में सिंपल एक इनपुट लेंगे और एक आउटपुट लेंगे, तो इनपुट मेरे पास 1x1 है और आउटपुट मेरे पास 1x1 है। हार्ड लेवल में, मतलब ये कि एमएस पीएचडी के अंदर, जब मतलब ग्रेजुएट स्टडीज में, वहां पर मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम्स देखते हैं जिसके पास मल्टीपल इनपुट्स हो रहे होते हैं, U1, U2, U3, U4, जो कि जनरली आपके पास बहुत सिस्टम्स के अंदर मल्टीपल इनपुट्स आपके पास जा रहे होते हैं, और यू हैव मल्टीपल आउटपुट्स ऑफ द सिस्टम। तो यहां पे हम बिल्कुल सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट केस पढ़ेंगे, वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट केस। एक इनपुट है 1x1 हो गया, एक आउटपुट है 1x1। अच्छा मैं थोड़ा बुक का नोटेशन भी आपको दिखा दूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि वो बोल्ड में किस तरह लिखता है उसको। असल में यहाँ पे भी वो बुक में भी इतने डिफिकल्ट फॉर्मेट के अंदर, मतलब वो एक्सप्लेनेशन होती है कि बहुत दफा आदमी को समझ में नहीं आता कि वो शुरू करता है। ये जो आगे लिखा हुआ है ये वो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब इसके अंदर तो सारे ही आपको बोल्ड नजर आ रहा है ये क्योंकि पीडीएफ का प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये जो यू होता है ये आपके पास बोल्ड, ये वेक्टर नहीं होता तो ये बोल्ड नहीं होता, और एक्स आपके पास वेक्टर होता है तो ये बोल्ड होता है। ये आपके पास सारे के सारे जो है ना, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको लिखी थी ये सारे वो हैं। वेक्टर का मतलब यहाँ पर बस ये ध्यान में रखिएगा, वेक्टर का मतलब होता है जब एक से ज्यादा की बात हो रही होती है, आउटपुट वेक्टर, स्टेट वेक्टर, और आपके पास इनपुट और कंट्रोल वेक्टर,
वेक्टर यहाँ पे क्योंकि जेनेरिक हम बता रहे होते हैं, इस वजह से इसको वेक्टर लिखा जाता है। अच्छा मेरे पास यहाँ पे स्टेट्स हैं सिस्टम की, लेट सपोज मेरे पास जो है ना वो तीन स्टेट्स हैं, ये दो स्टेट्स हैं एक्स वन टी एक्स टू टी, दो स्टेट्स हैं। कॉन्सेप्ट आपके पास ये होता है कि यू का इम्पैक्ट आपके आपके पास स्टेट्स पर होता है और स्टेट्स का इम्पैक्ट आपके पास वाई पर होता है। बाद में यू का इम्पैक्ट डायरेक्टली भी वाई पर होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोल्स के अंदर ये वाला पाथ आपके पास नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। यू का डायरेक्ट इम्पैक्ट वाई पर नहीं हो रहा होता, यू का इम्पैक्ट स्टेट्स पर होता है, स्टेट्स का इम्पैक्ट वाई पर हो रहा होता है। अच्छा अब इसका ताल्लुक डायमेंशन से क्या है, इसका ताल्लुक डायमेंशन से क्या है, ये मैं आपको समझा रहा था टू स्टेट्स। कि अगर आपको एग्जाम में सवाल आता है कि जी एक इनपुट है, दो स्टेट्स हैं और एक आउटपुट है, आप कंप्यूट कैसे करेंगे कि मैट्रिक्स ए का क्या डायमेंशन है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है, ये इसको हम चीज को समझते हैं। मेरे पास दो स्टेट्स हैं। अच्छा यहाँ पे वेक्टर की कैलकुलेशन आएंगी, तो मैं थोड़ी सी पहले उसको रिवाइज करा देता हूँ कि वेक्टर की कैलकुलेशन आपके पास क्या है। वेक्टर एलजेब्रा, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 और मेरे पास है 2 3, क्या ये ऐड हो सकते हैं? नो सर, ये ऐड क्यों नहीं हो सकते? रीजन क्या है? डायमेंशन सेम पहली बात तो ये हो गई कि भाई एडिशन के अंदर जब आपको ऐड करना है तो डायमेंशन सेम होने लाजमी है, पहली बात ये हो गई। सेकंड, ये एडिशन के बारे में, दिस इज अबाउट एडिशन। सेकंड आपके पास मल्टीप्लीकेशन के बारे में, मल्टीप्लीकेशन के बारे में आपके पास क्या है? लेट सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स हैं एक्स और वाई, और इनका डायमेंशन ऐसे है ए कॉमा बी सी कॉमा डी, आपस में ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, मतलब ए बी का मतलब ऐसे ऐसे 2,10 और 5,7 जो भी, लेट मी राइट सम नंबर्स हियर। मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, मैं कहता हूं 2 3 4 1, क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में? नो सर, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखता हूँ, P इंटू क्यू, ये दो मैट्रिक्सेस हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करना लाजमी है, अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास ये मैंडेटरी है कि अगर ये 2,3 है तो दिस मस्ट बी 3, something कैन बी 4, 5, 6, 7, 8 जो भी है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 4, ये दोनों आपके पास सेम होना लाजमी है, पहले का कॉलम दूसरे के रोज, ये सेम होना लाजमी है। और जो आंसर मेरे पास होगा, लेट सपोज पी क्यू मल्टीप्लाई होके इज गिविंग मी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का डायमेंशन मेरे पास क्या होगा? 3/3। डब्ल्यू का डायमेंशन मेरे पास होगा 2/4, ये डब्ल्यू का डायमेंशन है। तो ये बेसिक वो मैथ्स है जो आपको, जिसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये भाई ये एडिशन तो बहुत सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन एक दफा मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता हूँ ताकि आप लोग इस बात को समझो। मेरे पास यहाँ पे एक मिनट, इसको मैं 90% कर देता हूँ। ठीक है, देखो दोबारा बात बताता हूँ, देखो एडिशन बहुत सिंपल है, ये ऐड नहीं हो सकते, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते 1 2 + 2 3, क्योंकि आपके पास एक कॉलम एक रो है, ये ऐड नहीं हो सकते। लेट मी पुट अ रेड क्रॉस कि भाई कैन नॉट बी एडेड। अच्छा दिस कैन बी एडेड, व्हाई? बिकॉज़ द डायमेंशंस आर सेम, सिंपल बात है, ये एडिशन में तो बहुत सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन को समझना है हमें, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है हमारे पास, कीजिए हमारे पास लेट्स सपोज दो मैट्रिक्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है, उसका डायमेंशन है पहले वाले का 2 × 3 और दूसरे वाले का है 4 × 1, मतलब पहले वाले के अंदर दो रोज हैं, तीन कॉलम्स हैं, दूसरे वाले के अंदर चार रोज हैं और एक कॉलम है, इस तरह का मेरे पास है, तो क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? आई कैन नॉट मल्टीप्लाई वाई क्योंकि इसमें रूल ये होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में कि पहले वाले के कॉलम, द कॉलम ऑफ एक्स, द कॉलम ऑफ एक्स मस्ट बी द सेम एज रोज ऑफ वाई, जब ये नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता।
ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, पी एक मैट्रिक्स है, क्यू एक मैट्रिक्स है, पी का जो डायमेंशन है वो है 2x3, 2 rows and 3 columns, और क्यू का डायमेंशन है 3 rows and 4 columns. ये पी और क्यू दो अलग मैट्रिक्स हैं, इनको अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है तो ये लाजमी है कि आपके पास कॉलम्स ऑफ पी मस्ट बी सेम एज द रोज ऑफ क्यू, वो यहां पर हैं, दोनों तीन तीन है, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, आई कैन मल्टीप्लाई बिकॉज जो रूल है आपके पास वो सेटिस्फाई होता है. जो W आपके पास मैट्रिक्स है जो कि प्रोडक्ट है, P और Q को मल्टीप्लाई किया यू गेट W, तो W का आपके पास डायमेंशन क्या होगा, वो ये डायमेंशन होगा, पहले वाले का रो और दूसरे वाले के कॉलम 2x4 विल बी द डायमेंशन ऑफ W. स्टैंडर्ड ये आपके पास रूल है, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का. वी मूव बैक, ये जो प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस कर रहा था अब ये मैं डिस्कस करना शुरू करता हूं. एक इनपुट है, दो स्टेट्स हैं और एक आउटपुट है. मुझे ये बताओ एबीसीडी का डायमेंशन क्या है, ये मुझे सॉल्व करना है प्रॉब्लम. आई विल राइट हियर, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले वो मैं लिखता हूं. मेरे पास दो स्टेट्स हैं तो एक्स वन डॉट, मैं टी नहीं लिख रहा, और एक्स टू डॉट इज इक्वल टू, दिस इज माय ए मैट्रिक्स जिसका मुझे डायमेंशन मालूम करना है. मुझे पता है एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू. अब मैं डायमेंशन लिखना शुरू करता हूं यहां पे. इसका डायमेंशन क्या है कौन बताएगा, एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट का? सर 2 1. इसमें 2 rows हैं और एक कॉलम है, 2x1. मैं इज इक्वल टू लिख देता हूं जानबूझ के ताकि वो आपको आइडिया हो. ये आपके पास हो गया 2x1, जो मुझे पता है मैं वो लिख देता हूं, जो नहीं पता वो मैं नहीं लिखता. 1x1 आपके पास डायमेंशन हो गया यू का, ठीक है. अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी तरह इसका डायमेंशन ए का मालूम करना है, मुझे ये भी मालूम करना है और सेकंड भी, मैंने बीच में क्रॉस डाल दिया. मुझे बी का ये भी मालूम करना है, रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं, बीच में क्रॉस डाल दिया. आई स्टार्ट विद ए. ए के अंदर अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करूं ए के अंदर, तो क्या ख्याल है मेरे पास इसके कॉलम्स कितने होंगे, इसके कॉलम्स कितने होंगे? 2 आएंगे सर, सिंपल 2 है, क्योंकि ये 2 है तो यहां भी 2 होगा, तो ये 2 होना लाजमी है. एक बात तो क्लियर हो गई. अच्छा, दूसरी बात, इसका ये जो आगे पास रोज है, लेट मी राइट विद सम अदर कलर, लेट मी राइट विद ग्रीन, ये आपके पास कितना होगा, ये कैसे पता चलेगा, हाउ आई कैन डिटरमिन दिस वन? अब वो मुझे गौर से सोचना है, वो मुझे ये सोचना है कि जी मेरे पास जो एडिशन हो रही है वो आंसर है 2x1, जहन में रखना ये आंसर है, फाइनल आंसर. तो इसका मतलब है कि इस पूरे का आंसर 2x1 होना लाजमी है, और इस पूरे का आंसर 2x1 होना लाजमी है. बात को गौर से समझो मैं क्या कह रहा हूं. मेरे पास 2x1 ये आंसर है, x1 डॉट x2 डॉट एक आंसर है, दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूं और आंसर 2x1 आ रहा है. तो इसका मतलब ये जो पूरा है आपके पास a मल्टीप्लाई बाय x1 x2, इसका आंसर 2x1 होना लाजमी है कि नहीं? यस सर, यस सर. हां, इसको ये बात समझना जरूरी. इसी तरह b into u, ये पूरा का पूरा जब आपके मल्टीप्लाई होगा तो 2x1 आंसर होना लाजमी है. तो अब ये देखो मैं क्या करता हूं यहां पे, कि ये जो 2x1 है तो ये तो 1 यहां पर आ गया, ये 2 आपके पास यहां पर आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि ये मैट्रिक्स का रूल है. लेट मी राइट अ 2 हियर. मैं दोबारा ये कॉन्सेप्ट पूरा समझाता हूं. अभी देखो मैं क्या कह रहा हूं, आई विल रेज दिस कंप्लीट थिंग. सबसे पहली बात तो ये है कि मैट्रिक्स का पहला रूल क्या है. मैट्रिक्स का पहला रूल ये है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ए और एक्स वन एक्स टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास ये जो आपके पास नंबर है और यहां पे जो नंबर है सेम होना लाजमी है. तो बहुत सिंपल हो गया, जब ये दोनों सेम होना लाजमी है, आई राइट अ सिंपल 2, कि मुझे ये पता है कि यार यहां 2 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, अगर कुछ और होगा तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. पहला रूल तो ये क्लियर हो गया. दूसरा रूल वो क्या है, वो ये आपके पास है कि भाई एडिशन उस वक्त होती है जब आपके पास सारे मैट्रिक्स का सेम डायमेंशन है. मतलब क्या, येलो में जो मैंने लिखा ये 2x1 है, इसी तरह ए मल्टीप्लाई बाय एक्स वन एक्स टू, ये दो मैट्रिक्स हैं, जैसे आपके पास पी इंटू क्यू दो मैट्रिक्स थे, तो ये दो जब आपके मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 2x1 आना लाजमी है. क्यों लाजमी है, अगर 2x1 के अलावा कुछ भी आएगा ना तो ये मैट्रिक्स दूसरे में ऐड नहीं होगा और आंसर 2x1 नहीं आएगा, तो ये 2x1 होना मैंडेटरी है. इसी तरह इस बी इंटू यू का आंसर 2x1 होना लाजमी है. तो ये 2x1 मुझे क्या बता रहा है, मुझे ये बता रहा है कि ये जो 1 है ना, ये तो यहां से आता है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का रूल है, और ये 2 आपके पास वो यहां से आता है.
तो ये आपके पास लाजमन इसको टू होना जरूरी है। तो ए का डायमेंशन टू प्लस टू इस तरह बना, बी का डायमेंशन किस तरह होगा, लेट मी एक्सप्लेन यू द बी एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द सी एंड डी। बी का तो मुझे बताओ क्या होगा, सबसे पहले कॉलम्स इसके क्या होंगे, व्हाट विल बी द कॉलम्स, टू रोज हां सर, वन होगा कॉलम, सिंपल वन होगा, वन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास ये जब वन लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे मैंडेटरी वन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब ये डायरेक्ट ये रूल है आपके पास मैट्रिक्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन का। दूसरा नंबर क्या होगा आपके पास, टू, टू, यहाँ पर आपके पास ये नंबर आना लाजमी है, दिस इज टू, तो ये आपके पास हो गया टू, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो मुझे पता है कि ए का डायमेंशन टू क्रॉस टू होगा, मतलब ये कि आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स होगा जिसमें चार एंट्रीज होंगी, और ये जो मैट्रिक्स होगा बी उसके अंदर ऐसा होगा कि दो रोज होंगे और एक कॉलम होगा, ठीक है। तो मेरे पास एक इनपुट है, एक आउटपुट है, दो स्टेट्स हैं, तो ए और बी का डायमेंशन ये है। ऊपर से देखो गौर से, मैंने ऐसे ही लिखा था कि नहीं, कि ए आपके पास टू क्रॉस टू हो गया और बी आपके पास टू क्रॉस वन हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास ए और बी का डायमेंशन, इस तरह कैलकुलेशन ही होती है पूरी। इसमें कोई बात अगर क्लियर नहीं है तो पूछ लो, फिर मैं वाई इक्वल सी एक्स प्लस डी यू बता देता हूं। मुझे डायमेंशन कंप्यूट करना है सी और डी का, तो लेट मी राइट दिस इक्वेशन कि जी मेरे पास यहाँ पे एक्स नहीं था बेसिकली, ये तो दो स्टेट्स है एक्स वन एंड एक्स टू, और बाकी सेम है आपके पास। Now let me first write the information which I have already. Y output है वो 1 cross 1 signal है, ये मेरे पास जो है ना ये 2 cross 1 है, और मेरे पास ये U है वो 1 cross 1 है, जो information है वो मैंने लिख दी। यहाँ पर दोबारा important बात, पहले जरूरी चीज कि भाई ये जो overall आपके पास output है ये क्या होना चाहिए, yellow में जो मैंने लिखा है इसका output, ये dimension क्या होना चाहिए, इस क्लास के अंदर जो है ना, मतलब मुझे लगता है कोई लिंक शेयर किया किसी ने और किसी और ने ज्वाइन किया। नो सर, नहीं, वो किसी का माइक, हसान का माइक खुला था जी सर। दैट्स फाइन सर, वो बैकग्राउंड से सिस्टर की आवाज थी सर। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आपके पास ये है कि दिस इज येलो का आंसर क्या बनेगा, व्हाट इज द आंसर फॉर येलो, इसका डायमेंशन क्या होगा। देखो मैं तुम्हारा पूरी बात दोबारा समझा दो, देखो आंसर है वन क्रॉस वन, आंसर है वन क्रॉस वन, दो मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगे, येलो प्लस येलो विल गिव यू दिस वन, वन क्रॉस वन, तो इस येलो का डायमेंशन क्या होगा, वन क्रॉस वन, वन क्रॉस वन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास मैट्रिक्स ऐड उसी वक्त होते हैं जब सबका डायमेंशन सेम होता है। तो ये मुझे पता है आंसर वन क्रॉस वन है येलो दोनों, मतलब किसका, सी इंटू एक्स वन एक्स टू का आंसर भी वन क्रॉस वन है और डी इंटू यू का आंसर भी वन क्रॉस वन है, दिस इज वेरी क्लियर, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वाई वन क्रॉस वन है। अच्छा अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स बनाता हूं। नाउ बिल्कुल सिंपल आंसर कि जब ये टू लिखा हुआ है ना तो मैंने कुछ सोचना ही नहीं है, मुझे यहाँ पे लिखना ही टू है, जब यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है वन तो मुझे यहाँ पे लिखना ही वन है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, ये डायमेंशन डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बनता है इसका। अगला आंसर कैसे बनेगा, अगला आंसर इज ऑल्सो वेरी सिंपल, ये आपके पास वन है, ये आपके पास वन ही होगा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का रूल है, क्लियर। आई लाइट अगेन, ये वन आपके पास है तो ये जो आपके पास है दिस शुड ऑल्सो बी वन, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अब मेरे पास जो सी का डायमेंशन है वो वन क्रॉस टू है, वन क्रॉस टू का मतलब मेरे पास हो गया कि वन रो है और दो उसके अंदर कॉलम्स है, वन क्रॉस टू, वन क्रॉस टू, और यहां पे आपके पास हो गया वन क्रॉस वन, तो इसका मतलब है सिंपल एक एंट्री है। तो अगर ऊपर जाके देखो गौर से तो यहाँ पे आपके पास हो गया सी जो है आपके पास है टू क्रॉस वन हो गया, ये सी हो गया और डी आपके पास वन क्रॉस वन हो गया,
सी इज 2x1 एंड डी इज 1x1। अब जो रूल मैंने आपको पूरा समझाया, वीडियो रिकॉर्डेड है, सब कुछ है, तो ये कि यही अप्लाई होगा 3x3 पे, यही 4x4 पे, सारा कॉन्सेप्ट इस तरह अप्लाई होगा, उस तरह आप कंप्यूट करेंगे पूरा। अब इसको गौर से देखो, अब जो टॉपिक आपको आप चाहते हैं थोड़ा रिवाइज मैं कर दूं, फिर वो मैं रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि ये टॉपिक अब एक्सप्लेनेशन खत्म हो गई, मतलब ये कि अब इसके बाद जो है ना फिर अगले वीक में मैं पूरा जो है ना वो एक आपको आरएलसी सर्किट लेके, उस आरएलसी सर्किट का फिर पूरा का पूरा जो है ना मतलब स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन उसका एग्जैक्टली हम बनाएंगे, तो वो फिर अगला वाला टॉपिक है। यहाँ पे कोई बात अगर पूछनी हो तो आप पूछ लो, अगर कोई ऐसी कंफ्यूजिंग है, वरना तो वीडियो रिकॉर्डेड है, उसको देख लोगे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल क्लियर ना हुई हो तो वो मैं फिर और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर आपने जो फाइनल y इक्वल्स टू cx वाली लिखी थी वो एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दें। ये वाली इक्वेशन कह रहे हो आप? हाँ जी सर, लास्ट में जो y इक्वल्स इसका इसका देखो y आउटपुट सिग्नल है और c मैट्रिक्स है, x1 x2 स्टेट्स हैं और d आपके पास फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स कहलाता है और u आपके पास इनपुट सिग्नल है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ये क्या, इसको हम रीड इस तरह करते हैं इक्वेशन को, इसके के डायमेंशन कैलकुलेट करवा दूं या क्या कह रहे हो? हाँ जी सर, डायमेंशन वाला ही पार्ट एक दफा ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो मैं दोबारा एक एक्सप्लेन एग्जांपल देता हूँ, उसको पहले समझो। मेरे पास लेट सपोज अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2 वैसे एक एग्जांपल, और मैं कहता हूँ कि 2, 3 + 4, 0, 1, 1, 2 क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? क्या ये एडिशन पॉसिबल है कि नहीं है? नो सर, ये पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास इसका डायमेंशन है 2x1, इसका है 2x1 और इसका 2x2 है, तो ये दोनों आपस के अंदर ऐड नहीं हो सकते, ये दोनों आपस के अंदर ऐड नहीं हो सकते, कैन नॉट बी एडेड, व्हाई? बिकॉज़ द डायमेंशन इज नॉट सेम। तो ये कब आपके पास ऐड हो सकते हैं? जब आपके पास सारे का सारा डायमेंशन सेम हो तब ये ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेरे पास ये है कि जी यहाँ पर मेरे पास आउटपुट जो वाई है, y, उसका डायमेंशन मेरे पास है 1x1, तो ये 1x1 है, सिंपल बात है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा आपके पास मैट्रिक्स है और ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स है, इन दोनों का आंसर 1x1 होना लाजमी है। ये येलो में मैंने हाईलाइट जो किया है, तो ये 1x1 है इसका भी और इसका भी आपके पास पूरा 1x1 है, इन दोनों का 1x1 होना लाजमी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई कि भाई ये मुझे ओवरऑल पता चले कि भाई सी जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसका आंसर 1x1 क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा येलो में जो लिखा हुआ है और ये पूरा का पूरा येलो में जो लिखा हुआ है दोनों आपस में ऐड होने और ऐड होने, तो इसका मतलब है कि दोनों के डायमेंशन सेम होंगे, तो इसका भी 1x1 हो गया, इसका भी 1x1 हो गया। अब मुझे फर्दर कंप्यूटेशन ये करनी है कि सी का डायमेंशन क्या होगा, तो मुझे ये पता है कि ये जो x1 x2 लिखे हुए हैं ये आपके पास डायमेंशन हो गया 2x1। सी का लेट सपोज मैं क्वेश्चन मार्क बना देता हूं, मैं दोनों दोबारा इरेज करके फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला जो मैट्रिक्स का रूल है कि आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कि पहले के कॉलम्स और दूसरे के रोज बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 2 लिखूंगा क्योंकि ये मेरा रूल कहता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, वहां 2 के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। अगर 2 के अलावा कुछ मैं लिखूंगा तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, पहली बात तो ये हो गई। अगली बात, यहाँ पे मेरे पास ये जो येलो मैंने पूरा का पूरा हाईलाइट किया, ये मुझे पता है इस पूरे का आंसर है 1x1, इस पूरे का आंसर है 1x1। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल जो मैंने अभी यहाँ पे समझाया वो क्या समझाया था? वो ये समझाया था कि जी पी और क्यू दो मैट्रिक्स हैं और डब्ल्यू उनका आंसर है, तो पी का अगर डायमेंशन है 2x3 और क्यू का आंसर है 3x4, क्यू का डायमेंशन है 3x4, तो डब्ल्यू का डायमेंशन होगा 2x4। ये जो आपके पास पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम जो आपके पास होता है ये उसका डायमेंशन होता है, जो रिजल्ट होता है, जो मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट आता है उसका डायमेंशन इस तरह बनता है। तो यहां पे मुझे ये पहले से पता है कि आंसर क्या है, आंसर है 1x1, तो ये 1 आपके पास जो आ रहा है, लेट मी रेज दिस थिंग ये कहां से आ रहे हैं? ये 1 आपके पास यहां से आ रहा है और ये 1 आपके पास यहां से आएगा, इसका मतलब है लाजमन यहां पे 1 होना जरूरी है, तो सी का डायमेंशन 1x2 है, सी का डायमेंशन 1x2 है। बात क्लियर हुई, समझ में आई? जी सर, समझ आ गया। इसी तरह आगे भी हम देखेंगे, मतलब यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा येलो जो d into u है ना, पूरा का पूरा इसका पूरा आंसर 1x1 है, पहली बात तो ये हो गई।
यहां पे मेरे पास अगर मैं दोनों को मिटा दूं तो मेरा रूल ये कहता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कि ये अगर वन है ना तो यहाँ पे भी लाजमन वन आना जरूरी है, ये वन मैंने लिख दिया। सेकंड नंबर मुझे मालूम करना है जो क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया वो कैसे पता चलेगा, वो इस तरह पता चलता है कि जी मैं जो आंसर है मेरे पास वन क्रॉस वन है तो ये वन आपके पास यहाँ से आता है और ये दूसरा वन आपके पास यहाँ से आएगा। तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है ना ये ध्यान में रखना, ये मैट्रिक्स की जो आपके पास डायमेंशन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं होते, ये इस कैलकुलेशन से पता चलते हैं कि आपके पास डायमेंशन क्या है इसके। ठीक है, तो ये कि बेस्ट ऑफ लक, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो करूँ असाइनमेंट आप लोगों को दे दूँ क्योंकि अब दो चैप्टर्स हो गए आपके पास, चैप्टर फाइव भी हो गया और चैप्टर जो है ना वो फोर भी हो गया था, तो मैं इंशाल्लाह उसकी असाइनमेंट फिर दे दूंगा। तो अभी कोई और बात पूछनी है तो आप लोग पूछ लो। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, ओके, अस्सलाम वालेकुम।